नमस्कार। कंगना रनौत ने एक बार फिर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग को उठाया है। बार बार वो इसको लेकर के मुखर रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर कहीं भी वो मीडिया से इंटरेक्शन करती हैं तो भी ये बात निश्चित तौर पर कहती है कि अनुराग कश्यप जैसे लोगों को अब तक खुला कैसे छोड़ा गया है, जिस पर पायल घोष ने जिस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट का एक तरह से एक आरोप उनके ऊपर लगाया है। हालांकि इस पूरे मसले पर जिस तरह से चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो बहुत सारी बातों का कहीं ना कहीं कंगना किस बात को लेकर के नाराज़ हैं, नाखुश हैं, उन सारी बातों को सामने रखती हैं, क्योंकि वो एक आरोप नहीं लगा रही हैं, वो अलग अलग चीज़ों के जरिए महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, अनुराग कश्यप पर निशाना साध रही है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले उन्होंने साहिल चौधरी के समर्थन में आकर उन्होंने ये कहा है कि वॉट इज दिस गुंडा राज गोइंग ऑन इन मुंबई, नो वन कैन क्वेश्चन वर्ल्ड्स मोस्ट इनकॉम्पिटेंट सीएम, सबसे अयोग्य मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है उद्धव ठाकरे को। उन्होंने ये भी कहा है कि मुंबई में ये क्या गुंडा राज चल रहा है, कोई भी दुनिया के सबसे अयोग्य मुख्यमंत्री और उसकी टीम पर सवाल नहीं उठा सकता। ये हमारे साथ क्या करेंगे, हमारे घर तोड़ेंगे और मार डालेंगे, कांग्रेस पार्टी इसके लिए जवाबदेह है। कांग्रेस को तो उन्होंने निशाने पर लिया ही, इसके साथ साथ उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी सबसे अयोग्य मुख्यमंत्री कह दिया। तो एक तरफ उनके निशाने पर शिवसेना है, कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ उनके निशाने पर अनुराग कश्यप है। अनुराग कश्यप को लेकर जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि अभी वो इस मसले को ठंडा नहीं होने देना चाहती है। वो चाहती है कि अनुराग कश्यप वाला जो मसला है, जो उनको लेकर के बातें सामने निकल कर आ रही हैं और जो पायल घोष ने आरोप लगाए हैं उनको लेकर के उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने लिखा है कि somebody random files a FIR against Sahil for questioning Maharashtra government's work, which is his democratic right, and Sahil is jailed immediately. But Payal Ghosh has filed FIR against Anurag Kashyap many days ago for rape, but he is roaming free. यानी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि साहिल जो मुंबई सरकार के महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उनके खिलाफ अगर वो कुछ कहते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई है और उसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। वो आदमी फ्री घूम रहा है, फ्री मतलब अनुराग कश्यप फ्री घूम रहे हैं। और क्या है ये सब, उन्होंने अपने ट्वीट के अंत में लिखा है और कांग्रेस से भी उन्होंने ये सवाल किया है। इससे पहले भी कंगना ने यूपी में एक दलित लड़की का जो गैंगरेप पर हत्या हुई थी उस मामले पर भी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन इन सारी बातों के बीच में ये जो दो अहम स्टैंड हैं, जिसमें एक तरफ वो उद्धव ठाकरे को दुनिया का सबसे अयोग्य मुख्यमंत्री करार दे रही हैं और दूसरी तरफ वो साहिल के पक्ष में आकर अनुराग कश्यप के खिलाफ हुई FIR के खिलाफ सवाल पूछ रही हैं कि ये दो अलग अलग चीज़ें किस तरह से हमारे ऊपर राज कर रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उन्होंने अयोग्य कहा और कहा कि ये लोग हमारे ऊपर राज करेंगे, हमारे घर तोड़ देंगे। दूसरी तरफ कि साहिल के खिलाफ, साहिल जब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन एक लड़की FIR दर्ज कराती है अनुराग कश्यप के खिलाफ, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो ये अपने आप में दो बड़े सवाल हैं। आप इस पर कहां खड़े हैं हमें जरूर बताइए, कमेंट करिए, बताइए कि क्या आप कंगना के समर्थन में हैं इस पूरे के पूरे मसले पर। नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।